एक बार बिंदायत जी महाराज एक चुटकी में चावल और एक में दूध लेकर घूम रहे थे। कह रहे थे कोई मेरी खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो। एक बुढ़िया माई बोली, ला मैं तेरी खीर बना दूं। वह एक कटोरा ले आई। तब बिंदायत जी बोले, बुढ़िया माई कटोरा क्यों लाई हो, भगोना लाकर चढ़ा दे। तब बुढ़िया बोली, इतने बड़े भगोने का क्या करूंगी, कटोरा ही बहुत है। बिंदायक जी कहने लगे, तू चढ़ा कर तो देख। बुढ़िया माई ने भगोना चढ़ा दिया, चढ़ाते हुए दूध से भर गया। फिर बिंदायक जी ने कहा, मैं बाहर जाकर आता हूँ तो तू खीर बनाकर रखियो, खीर बनकर तैयार होगी। परंतु बिंदायक जी महाराज नहीं आए तो बुढ़िया माई का मन लच्छा गया। वह दरवाजा बंद करके खीर खाने लगी और बोली कि बिंदायक जी महाराज भोग लगाओ, और खीर खाने लगी। इतने भी बिंदायक जी आए और बोले, बुढ़िया माई खीर बना ली। बुढ़िया बोली, हाँ आकर जिम लो। बिंदायक जी बोले, मैंने तो जिम लिया, जब तो जीमने लगी थी ना बुढ़िया माई, मैंने भोग लगा लिया था। तब बुढ़िया माई बोली कि तुमने तो मेरा पर्दा ही हटा दिया, परंतु किसी और का पर्दा मत हटाना। तब बिंदायक जी महाराज ने खूब धन दौलत भर दिया। बिंदायक जी महाराज बोले, जैसे बुढ़िया माई को दिया, कहते सुनते सब परिवार को देना, जिसने सुनी उसका भला, जिसने सुने उसका भला। बिंदायक जी महाराज की गणपति बप्पा मोरया। ये ना उसमें रखूंगी रात के लिए ना।